hello everyone in this short video i will be discussing about the concept of constitutional morality but to understand constitutional morality we have to understand what exactly is social morality therefore before we dive into our understanding of constitutional morality and social morality i would like to highlight some of the cases which actually brought this concepts at the forefront of पब्लिक डिस्कशन एंड पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम द स्टैंडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट तीन केसेस एक है नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एन सी टी दूसरा केस है कौशल कुमार वर्सेस नाज फाउंडेशन और तीसरा केस है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जहां तक कि पहला केस नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी का सवाल है और नवतेज सिंह वाले केस का सवाल है यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मोरालिटी को कम तवज्जो दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अधिक तवज्जो दिया है लेकिन जहां तक आपको नाज फाउंडेशन और सुरेश कुमार का सवाल है उस जगह पे आप देखेंगे कि सोशल मोरालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कम इंपॉर्टेंस दिया है एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूछे गए हैं बहुत बार सवाल पूछे जा सकते हैं बहुत बार सवाल तो मैं इसको क्लियर करता हूं तो पहले समझते हैं सोशल मोरालिटी क्या होता है व्हाट एग्जैक्टली इज सोशल मोरालिटी सोशल मोरालिटी मीन सोसाइटी कुछ अपने आप पे कुछ वैल्यूज कुछ प्रिंसिपल कुछ बिलीव सिस्टम इंपोज करता है जिससे कि सोसाइटी में रहने वाले जो इन लोग हैं नागरिक हैं उनको एक गाइडेंस मिलता है कि किस तरह का बिहेवियर करेंगे वो तो बहुत सारा चीज है जैसे कि आपको सिखाया जाता है कि हाँ भाई एल्डरली है तो उनको रेस्पेक्ट करें ये क्या हो जाता है सोशल मोरालिटी उसी तरह से बहुत बड़ा बड़ा चीज है जो कि सोशल मोरालिटी के अंदर आता है और पर्टिकुलरली अगर हम पॉलिटी के फ्रेमवर्क और सुप्रीम कोर्ट के केसेस के फ्रेमवर्क के अंदर देखें तो तो कुछ एग्जांपल मैं कोट करना चाहूंगा जैसे कि अगर कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो कास्ट सिस्टम में कोई बड़ा कास्ट कोई छोटा कास्ट इस तरह से निर्धारित किया गया वो क्या है एक सोशल मोरालिटी है उसी तरह से आप देखेंगे वोमेन का रोल कि वोमेन कहां जा सकती है कहां ना नहीं जा सकती किस मंदिर में जा सकती है किस मंदिर में नहीं जा सकती ये क्या है ये अगेन एक सोशल मोरालिटी है उसी तरह से है कि मैरिज का अगर इंस्टीट्यूशन के हम बारे में बात करें तो मैरिज क्या होता है कि एक मेल और एक फीमेल के बीच में मैरिज के बारे में बात चलता है वो एक क्या है सोशल मोरालिटी है लेकिन अब ये भी आ गया है कि भाई ये बाइसेक्सुअल इस तरह के भी होमोसेक्सुअल होमोसेक्सुअलिटी का इशू आ गया है तो वो आमतौर पर सोशल मोरालिटी नहीं है हम नहीं मानते हैं उसको तो सोशल मोरालिटी वो चीज होता है वो मॉडल वो बिलीफ वो वैल्यूज होता है जो सोसाइटी अपने मेंबर्स पे डालता है जिससे कि कंडक्ट एक कॉमन कंडक्ट एक ऑर्गेनाइज एक ऑर्डर डेवलप हो पाए अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का संविधान में अगर आप देखते हैं में पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ कुछ वैल्यूज कुछ कुछ प्रिंसिपल मिलता है वो संविधान का है जैसे इक्वालिटी जस्टिस फैटर्निटी ये सब जो है वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का मोरालिटी है संविधान का मोरालिटी इक्वालिटी के नजर से देखेगा वो एक मेल फीमेल और एक ट्रांसजेंडर के बीच में इक्वालिटी समानता की तरह से देखता है लेकिन हो सकता है समाज उस समान नजर से ना देखे मेल और फीमेल को अलग देखे और ट्रांसजेंडर को अलग देखे और मेल और फीमेल में भी हो सकता है समाज यह देखे कि मेल ऊपर है फीमेल नीचे है तो कॉन्स्टिट्यूशन का मॉरालिटी और सोशल मॉरालिटी जरूरी नहीं है कि कन्वर्ज करे हो सकता है कि कभी कभी दोनों में डाइवर्जेंस हो जाए अब संविधान को कहते हैं एक लिविंग डॉक्यूमेंट जीवांत वो एक डॉक्यूमेंट है मतलब कि संविधान ग्रो करता है एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं उसमें चेंजेस होते रहता है इसीलिए आप देखते हैं संविधान में हमारे यहां पे अमेंडमेंट आता रहता है अब लिविंग डॉक्यूमेंट है तो मतलब कि हर चीज तो संविधान हमारे हमारा संविधान बहुत बड़ा है बहुत एलिबरेट डिस्कशन uh, के बाद बनाया गया है लेकिन हर एक पॉसिबल सिचुएशन हर एक हर एक पॉसिबल सिनेरियो को मेंशन नहीं किया जा सकता संविधान में या कहीं कोई भी डॉक्यूमेंट में जो समाज 1947 में था जो समाज नाइनटीन uh, सिक्सटी में था 75 में था 85 में था वो आज 2023 के दिन में नहीं है समाज बहुत चेंज हो गया नया जनरेशन नया वैल्यूज लेके आते हैं तो तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लिविंग डॉक्यूमेंट है तो उसका एक काम बनता है कि नया जो भी भावनाएं आ रही हैं वैल्यूज आ रहा है उनका इनकॉर्पोरेशन हो और समाज में जो ट्रेडिशनल वैल्यू है जो सोशल वैल्यू है और जो नया वैल्यू उत्पन्न हो रहा है दोनों के बीच में टकराव ना हो इस चीज के लिए जुडिशियरी इंटरवीन करती है और जुडिशियल कुछ कुछ डॉक्ट्रीन लेके आती है जिससे कि वो ये तय करती है कि कौन सा चीज को प्रधानता मिलेगा जैसे कि एक एग्जाम्पल में देता हूं जहां पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन का मोरालिटी को उन्होंने तवज्जु दिया एडल्ट्री का केस अगर हम देखते हैं तो एडल्ट्री का लॉ ऐसा था जिसमें कि जो अ जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं था वो मेल सेंट्रिक लॉ था कि मेल किसी फीमेल से डिवोर्स ले सकता है अगर फीमेल किसी और गैर मर्द के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है मैरिज के संबंध में वो एक बेसिस था इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिस बेसिस नहीं होना चाहिए न्यूट्रल होना चाहिए अगर फीमेल कर सकती है मेल भी तो कर सकता है तो वहां पर क्या है इक्वालिटी नहीं था उस लॉ में वो वो हो सकता है सोशल मोरालिटी में आए उस जमाने में जब 1955 में उस लॉ को लाया गया था लेकिन आज के जमाने में उसका यूटिलिटी नहीं है न्यूट्रल कर दिया उन, उन्होंने सिमिलरली होमोसेक्सुअलिटी का केस है तो होमोसेक्सुअल को डेफिनेटली आज का समाज बहुत हद तक एक्सेप्ट करता है पहले का समाज एक्सेप्ट नहीं करता था तो तो अगर समाज उसको इनइक्वल ट्रीटमेंट करे अगर समाज उसको एलिनिएट कर दे उसको डिसबेंड कर दे तो वो तो अच्छी बात नहीं है वहां पे तो उसका फंडामेंटल राइट right का हनन है तो वहां पे वो क्या इन्वोक करेगा सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो यही एक बैलेंस वो क्रिएट करता रहता है ट्रेडिशन में और मॉडर्निटी में इसी के लिए कुछ डॉक्टर लाए गए उसमें से एक डॉक्ट्रीन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जॉर्ज ग्रोटे का आइडिया था इंग्लिश हिस्टोरियन थे और ये बेसिकली कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज मैंशन हैं उस वैल्यूज को प्रधानता मिले और जितने भी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं और पीपल एट लार्ज उस चीज को फॉलो करें यह है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी आई होप कि आपको समझ में आया होगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच